वन ऑफ द फास्टेस्ट पीक, फास्टेस्ट एम ट्रांसफर एनी गन, बेस्ट जिगल प्लस क्राउच फायर, जीरो रिकॉइल स्पेस फॉर ऑल स्कोप, ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हो ऑलरेडी अगर आप फोर फिंगर क्लो खेलते हो तो। वो कॉमन मिस्टेक जो 70% प्लेयर करते हैं BGMI एंड PUBG मोबाइल के, वो सारी चीजें मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एंड उन सब का सोल्यूशन भी दूंगा। उसके साथ आपको एक वन ऑफ द बेस्ट फोर फिंगर क्लो सेटिंग जिसपे आप हर एक मूवमेंट बहुत इजिली तरीके से कर पाओगे एंड उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे एंड अगर 2 या 3 दिन अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो उसको अपने हिसाब से मास्टर भी कर पाओगे। तो ये वाला वीडियो लास्ट तक जरूर देखना एंड गाइस ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा कंट्रोल सेटअप अच्छा है एंड दोबारा कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा अपने कंट्रोल के रिलेटेड में। तो लगा लो अपने कानों में ईयरफोन जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। मिस्टेक नंबर वन, जो आज भी BGMI एंड PUBG मोबाइल के 70% प्लेयर करते हैं, जो कि फोर फिंगर कंट्रोल में जंप प्रोन एंड क्राउच बटन को नीचे कॉर्नर में रखते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जंप क्राउच एंड प्रोन बटन को ऊपर स्कोप के साइड रखना है जिससे आप इजीली मैनेज कर पाओगे। मिस्टेक नंबर टू, जो कि अभी बहुत सारे प्लेयर करते हैं, वो अपने मैप को राइट साइड के कॉर्नर पे रखते हैं जहां उनके फिंगर से वो मैप ढक जाता है एंड उसमें आप एनिमी के फुटस्टेप वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते हो। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने मैप को 2 जगह प्लेस कर सकते हो, यहाँ जहां मैंने अभी किया, या तो आप वहां पे कर लो या तो बॉटम में जाके अपने मैप को प्लेस कर लो जिससे इजिली आप अपने मैप में जो भी कुछ हो रहा है उसे देख पाओगे। मिस्टेक नंबर थर्ड, जो कि बहुत सारे बंदे करते हैं, वो अपने राइट वाले फायर बटन को उठा के अपने लेफ्ट वाले फायर बटन, जहां आपने फायर बटन रख रखा है, वहां सेपरेट कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है भाई। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट वाला फायर बटन होता है वो स्टेबल होता है, उस पर आपका एम इधर से उधर नहीं होता है, बट जो राइट वाला फायर बटन होता है उस पर अगर आप फायर करोगे ना तो आपका एम हिल सकता है एंड आप इजिली 1v1 फाइट में अपना एम चोक कर दोगे। तो ये वाला फायर बटन को या तो आप डिसेबल कर। मिस्टेक नंबर फोर, जो कि भी बहुत सारे बंदे करते हैं, वो अपना पीक एंड स्कोप बटन को टैप पे रखते हैं, बट ये वाला गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज आप फोर फिंगर क्लो खेल रहे हो एंड इस पे आप इजिली किसी भी बटन को मैनेज कर सकते हो। आपको पीक एंड स्कोप के बटन को होल्ड पे रखना है जिससे इजिली आप क्विक स्कोप फायर दे सकते हो एंड सडनली फायर दे के अंदर भी आ सकते हो। सो गाइज, अब बात करते हैं फास्टेस्ट फोर फिंगर क्लो सेटिंग के बारे में, जिसका यूज करके आप इजिली कोई भी मूवमेंट दे सकते हो एंड किसी को भी 1v1 में बीट कर सकते हो एंड इजिली कोई भी फाइट को आप विन कर पाओगे। सो गाइज, आप ये मेरा कंट्रोल देख सकते हो, इसका कोड मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाला बिकॉज आप सबके फोन का डिस्प्ले अलग अलग होता है एंड अगर आप कंट्रोल कोड यूज करोगे ना तो बटन अलग अलग तरीके से, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप उससे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अपने हिसाब से मैनेज करके रख लेना एंड अगर आपको फिर भी कंट्रोल कोड चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको दे दूंगा। एंड गाइस, ये कंट्रोल पे कम से कम आप 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करना जिससे आपका ये बहुत अच्छे तरीके से मास्टर हो पाएगा। एंड गाइस, आप मेरा ये सेंसिटिविटी देख सकते हो, मैं इस वाले सेंसिटिव पे ही खेलता हूं अभी एंड ये वाला सेंसिटिविटी हर एक डिवाइस के लिए कंफर्टेबल होता है, चाहे आप 2 फिंगर खेलते हो या 4 फिंगर या 5 फिंगर, कोई भी क्लो सेटअप के साथ ये वाला सेंसिटिविटी आराम से कंफर्टेबल हो जाता है। सो आप इजीली इसे यूज कर सकते हो एंड बहुत जल्दी इसे मास्टर भी कर पाओगे एंड इस वाले सेंसिटिव में चोक होने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है बिकॉज ये थोड़ा लो सेंसिटिविटी है। एंड कैसे अगर आप एंड्रॉइड में खेलते हो या एंड्रॉइड में आपका कोई भी ऐसा लो एंड डिवाइस है जिसमें जायरोस्कोप वर्क करता है, तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक सेंसिटिविटी कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वाला कोड जाके आप यूज कर सकते हो एंड ये वाला सेंसिटिविटी आपका हर एक डिवाइस में वर्क करेगा, लाइक वो एंड्रॉइड हो या iOS हो। सो यही था वीडियो, अगर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियोस के नीचे लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।